मैं वापस आ गई हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप सभी घर पर हैं, सेफ हैं और बहुत अच्छे हैं और आपकी तैयारी भी बहुत मस्त चल रही है। ठीक है, तो अब बारी है थोड़े बहुत क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं बेसिक कैलकुलस के ऊपर, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के ऊपर थोड़े क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं ताकि कॉन्सेप्ट ऐसा तगड़ा हो जाएगा कि भाई डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में तो हम कभी नहीं चूकेंगे। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। अब हमारा टाइम है कुछ क्वेश्चंस देखने का, तो अब हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे और उनको सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, डिफरेंशिएट साइन लॉग एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हम हल्के से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस लेने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे जिस फंक्शन का हमें निकालना है वो फंक्शन क्या है, साइन ऑफ लॉग एक्स। ठीक है, तो प्रॉब्लम को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए हम ये करते हैं कि ये जो टर्म लॉग एक्स है इसको हम लोग मान लेते हैं थीटा। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं थीटा, तो हमारा वाई क्या हो गया, वाई हो गया साइन थीटा। ठीक है, तो अब हमारा जो डिफरेंशिएशन का प्रोसेस है वो काफ़ी सिंप्लीफाई हो जाएगा। अच्छा, हमको निकालना क्या है, हमें डिफरेंशिएट करना है वाई को विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि हमें डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो अब हमारी y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू है साइन थीटा, तो साइन थीटा का डिफरेंशिएशन होता है कॉस थीटा, लेकिन थीटा को भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा d थीटा बाई डी एक्स। तो अब सवाल ये है कि d थीटा बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है, तो अभी हमने थीटा को क्या एज्यूम किया, log x, तो फिर d थीटा बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, 1 बाई एक्स। ठीक है, तो अब d थीटा बाई डी एक्स की जगह हम 1 बाई एक्स की वैल्यू डाल देते हैं। ठीक है, तो dy वाई बाई डी एक्स हो जाएगा 1 बाई एक्स इंटू कॉस थीटा, तो अब कॉस थीटा में थीटा की वैल्यू क्या है, लॉग एक्स, तो वो वैल्यू डाल दो, तो फिर dy वाई बाई डी एक्स जो है वो हो जाएगा 1 बाई एक्स कॉस ऑफ लॉग एक्स। क्वेश्चन नंबर 2, डिफरेंशिएट e टू द पावर x साइन 5x विद रेस्पेक्ट टू x। तो यहां पे हमें d by dx निकालना है e to the power x sin 5x, तो इसमें हम प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये e to the power x यहां पे हमारे u के जैसा बिहेव कर रहा है और sin 5x यहां पे v के जैसा बिहेव कर रहा है, तो अगर हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो हो जाएगा d by dx of ex into sin 5x plus d by dx of sin 5x इंटू ई एक्स, तो ये हो जाएगा ई एक्स, ई एक्स का जो डिफरेंशिएशन है वो ई एक्स ही रहेगा ई टू द पावर एक्स, और यहाँ पे जो है ई टू द पावर एक्स एज इट इज है और साइन थीटा का होता है कॉस थीटा, लेकिन इस फाइव एक्स का भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा तो फाइव एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा फाइव, तो हमारा आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ई टू द पावर एक्स साइन फाइव एक्स प्लस 5e to the power x cos 5x, ये हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ log log ऑफ log x। तो यहां पे एक इंटरेस्टिंग टर्म आ गया, वो है सेकेंड डेरिवेटिव। अब सेकेंड डेरिवेटिव क्या होता है, तो जब भी हम कोई भी चीज का d by dx निकालते हैं वो हो जाता है फर्स्ट डेरिवेटिव, लेकिन जब हम किसी भी फंक्शन का दो बार डेरिवेटिव निकालते हैं जैसे कि डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, तो वो हो जाता है सेकेंड डेरिवेटिव। डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर बोले तो डी बाई डी एक्स ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ द फंक्शन, तो वो होता है सेकेंड डेरिवेटिव। उसी तरह से अगर हम डी बाई डी एक्स निकालते हैं डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर का, तो ये हमारा हो जाएगा थर्ड डेरिवेटिव। तो इस क्वेश्चन में हमें सेकेंड डेरिवेटिव निकालना है, तो सेकेंड डेरिवेटिव निकालने के लिए पहला स्टेप क्या है, पहले तो हमें फर्स्ट डेरिवेटिव ही निकालना है। तो यहाँ पे y की वैल्यू दी हुई है log of log x, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए log x को हम थीटा मान लेते हैं, तो y इज इक्वल टू log थीटा हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं, तो dy by dx हो जाएगा d by dx ऑफ log थीटा। अब log थीटा का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 बाई थीटा, लेकिन थीटा को भी डिफरेंशिएट करना होगा तो ये हो जाएगा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स। तो अब डी थीटा बाई डी एक्स इस केस में क्या हो जाएगा, थीटा क्या है, थीटा है log x, तो डी थीटा बाई डी एक्स जो है वो हो जाएगा 1 बाई एक्स, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 1 बाई एक्स।
तो थीटा की वैल्यू क्या है, लॉग एक्स, तो ये हो जाएगा 1/x log x, ये हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया। अब हमको सेकेंड डेरिवेटिव निकालना है, तो सेकेंड डेरिवेटिव के लिए हम क्या करेंगे, इसको फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे, यानी कि d by dx of 1/x log x, ठीक है। तो इसमें जो है हमारा न्यूमरेटर जो है वो u की तरह बिहेव कर रहा है और जो डिनोमिनेटर है वो v की तरह बिहेव कर रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे कोशेंट रूल। तो कोशेंट रूल के हिसाब से हम क्या करेंगे, जो हमारा पहला टर्म होगा उसमें v एज इट इज रहेगा, d बाई डी एक्स ऑफ u करेंगे, तो u यहाँ पे 1 है, माइनस उसके बाद u हमारा एज इट इज रहेगा और हम d बाई डी एक्स ऑफ v करेंगे, और इस पूरे चीज को हम डिवाइड कर देंगे डिनोमिनेटर के स्क्वायर से, यानी कि x log x के होल स्क्वायर से। अब किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है जीरो, तो ये हमारा पूरा जो टर्म है ये हो जाएगा जीरो, ठीक है। तो हमारे पास क्या रह गया, माइनस d by dx of x log x डिवाइडेड by x log x का होल स्क्वायर। अब हमको ये ऊपर का जो डिफरेंशिएशन करना है इसमें हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, यहाँ पे x हमारा u है और log x हमारा v है, तो हम प्रोडक्ट रूल लगाते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस वन इंटू एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ log x, यानी कि 1/x प्लस log x डी बाई डी एक्स ऑफ x, यानी कि 1, तो ये हो गया डिवाइडेड बाई x log x का होल स्क्वायर, तो ये x और x कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 1 माइनस log x डिवाइडेड बाय x log x का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ साइन 2x साइन 6x। अब इस केस में हम थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का यूज करेंगे, ऐसा क्यों, क्योंकि अगर हम चाहें तो इसको भी कर सकते हैं नॉर्मल प्रोसेस से, बट उससे हमारा जो प्रोसेस है वो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा, तो कैलकुलेशन को थोड़ा सिंपल करने के लिए हम एक बहुत ही पॉपुलर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का हेल्प लेंगे, जो कि है साइन ए साइन बी इज इक्वल टू 1/2 कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। तो हम इस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का हेल्प लेंगे, तो अगर इस इक्वेशन को हम देखें तो यहाँ पे 2x हमारा a है और 6x हमारा b है, तो उसके हिसाब से हम कह सकते हैं कि साइन 2x साइन 6x जो है वो क्या है, 1/2 cos 2x माइनस 6x माइनस cos 2x प्लस 6x, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/2 cos ऑफ माइनस 4x, cos ऑफ माइनस थीटा cos थीटा होता है, तो ये हो जाएगा cos 4x माइनस cos 8x, तो ये जो है ये हमारा हो गया y। अब हमें सेकेंड डेरिवेटिव निकालना है, तो पहले तो हम फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे, यानी कि dy by dx, ये हो जाएगा 1/2। अब d by dx ऑफ cos थीटा क्या होगा, cos थीटा का डेरिवेटिव होगा माइनस साइन थीटा, लेकिन इस 4x को भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, ये हो जाएगा 4। उसी तरह माइनस फिर से माइनस cos 8x का हो जाएगा माइनस साइन 8x, लेकिन इस 8x का डिफरेंशिएट करेंगे तो एक 8 भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया माइनस 2 साइन 4x प्लस 4 साइन 8x, तो ये हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया। अब हम निकालते हैं सेकेंड डेरिवेटिव, यानी कि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस 2 साइन 4x प्लस 4 साइन 8x, तो ये हो जाएगा साइन थीटा का क्या होता है, माइनस 2 पहले बाहर निकाल लेते हैं, तो साइन 4x का हो जाएगा कॉस 4x, और 4x का डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसी तरीके से साइन 8x का हो जाएगा कॉस 8x, लेकिन 8x का निकालेंगे तो 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और साथ में यहाँ पे ऑलरेडी 4 था, तो ये हो जाएगा माइनस 8 कॉस 4x प्लस 32 कॉस 8x, तो ये हो जाएगा हमारा सेकेंड डेरिवेटिव।
क्वेश्चन नंबर 5, इंटीग्रेट 2 टू द पावर x बाय 3 टू द पावर x dx। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। बहुत बार क्या होता है, जब भी हम पावर देखते हैं हम तुरंत से पावर रूल अप्लाई करना चालू कर देते हैं। बट यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि नॉर्मली हम जहाँ पे पावर रूल अप्लाई करते हैं वहाँ पे हमारा पावर कॉन्स्टेंट होता है और बेस के अंदर वेरिएबल होता है। बट यहाँ पे अगर आप ध्यान दें तो पावर में वेरिएबल है और बेस जो है वो कॉन्स्टेंट है, तो इसीलिए इस केस में हमारा पावर रूल काम नहीं आएगा। तो कौन सा रूल काम आएगा, ये वाला रूल, इंटीग्रेशन ऑफ ए टू द पावर एक्स dx जो है ये होता है a टू द पावर x डिवाइडेड बाय log a प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो ये रूल हमारा इस केस में काम आएगा। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जब भी आपको इस तरह का पावर मिले जहां पे पावर जो है वो वेरिएबल है और बेस जो कांस्टेंट है, तो हमारा ये फॉर्मूला काम आता है। ठीक है, तो इस केस में हम इसको लिख सकते हैं 2/3 टू द पावर x dx। तो यानी कि a की जो वैल्यू है वो यहाँ पे 2/3 है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 2/3 टू द पावर x डिवाइडेड बाय log ऑफ 2/3 प्लस c। क्वेश्चन नंबर 6, इंटीग्रेट 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस cos 2x dx। तो यहाँ पे हम जो हमारा डिनोमिनेटर है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा है, और ये भी लग रहा है कि डिनोमिनेटर में हम कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का हेल्प ले सकते हैं। तो हमें पता है कि cos 2 थीटा जो है वो होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। हमें ये भी पता है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा जो है वो 1 होता है। तो हम इन दोनों चीज का हेल्प लेंगे और डिनोमिनेटर को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। तो जो डिनोमिनेटर है 1 माइनस cos 2x, इसको हम लिख सकते हैं 1 की जगह हम लिख सकते हैं sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, और माइनस cos 2x, cos 2x की जगह हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। तो इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x। तो ये cos स्क्वायर और cos स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 sin स्क्वायर x। तो डिनोमिनेटर को हमने थोड़ा तो सिंप्लीफाई कर दिया है, तो अब हमारा क्वेश्चन कुछ ऐसा बन जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 2 sin स्क्वायर x dx। 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 by sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा cosec स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1 by sin थीटा होता है cosec थीटा। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ cosec स्क्वायर dx। तो cosec स्क्वायर x का क्या होता है इंटीग्रेशन, ये हमने ऑलरेडी रूल्स में पढ़ा है, ये होता है माइनस cot x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो ये मेरा आंसर। तो कई बार जो इंटीग्रेशन है उसमें रूल्स तो बड़े सिंपल यूज होते हैं, बट रूल्स को यूज करने से पहले आपको उस जो दिया हुआ है आपके पास फंक्शन उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ता है। तो इसीलिए इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के लिए ये भी बहुत जरूरी है कि आपके ट्रिग्नोमेट्रिक के कॉन्सेप्ट्स काफी क्लियर हो। क्वेश्चन नंबर 7, इंटीग्रेट 1 बाय 4x स्क्वायर प्लस 9 इंटू dx। तो इसमें सबसे पहले आप इसके फॉर्म को देखिए, इसके फॉर्मेट को देखिए, इसको देख के क्या आपको ऐसा लग रहा है कि ये कोई इंटीग्रेशन के रूल से सिमिलर है? ऑफ कोर्स है। अगर आप याद करें तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर dx इज इक्वल टू क्या होता है, 1, ये होता है 1 बाय a tan इनवर्स x by a plus c। तो अगर हम ये इस पार्ट को कंपेयर करें तो ये कुछ कुछ इसके सिमिलर लग रहा है, राइट? बट हमें इसको इस फॉर्म में चाहिए कि 1 by a square plus x square हो। तो उस फॉर्म में लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 4x square है बट हमें सिर्फ x square चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हम 4 से डिवाइड कर देते हैं। तो उससे क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में ये x स्क्वायर हो जाएगा और ये 9/4 हो जाएगा, ये dx हो जाएगा। तो 1/4 को बाहर निकाल लेते हैं तो ये रहेगा 1/x² प्लस 9 को हम लिख सकते हैं 3² 4 को हम लिख सकते हैं 2², तो उसको हम लिख सकते हैं 3/2 का होल स्क्वायर dx। अब अगर आप इसको इसके साथ कंपेयर करें तो ये बिल्कुल इसी फॉर्मेट में है, जो a है a की जगह यहाँ पे 3/2 है, तो हम स्ट्रेट अवे ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो इस इंटीग्रेशन की जगह हम लिख सकते हैं tan इनवर्स x by a प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट, यानी कि 1/4 tan इनवर्स 2x/3 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट।
बट यहाँ पे हमने एक चीज मिस आउट कर दिया और वो है 1/a। यहाँ पे एक 1/a का टर्म भी आएगा, यानी कि 2/3, तो 2 2 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 1/6 tan इनवर्स 2x/3 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे कई सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व किए और हमने ये देखा कि अगर हमें डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के रूल्स पता हो तो हम किसी भी तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं यही सजेस्ट करूँगी आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस सॉल्व करें ताकि आपके ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं ये क्लियर हो जाए। और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो उन लोगों को काफ़ी हेल्पफुल होगा जिन्होंने 11th 12th में मैथ्स नहीं पढ़ी है बट उन्हें इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन की ज़रूरत होती है, या तो फिजिक्स में या फिर कोई और एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करने के लिए। तो ये जो वीडियो था ये बहुत ही बेसिक्स था डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का, बट अगर आप इसको ध्यान से देखते हैं तो आप इंटीग्रेट और डिफरेंशिएट तो आराम से कर लेंगे। तो प्रैक्टिस करते रहिए, मिलते हैं हम लोग अगले लेसन में। तो बच्चा पार्टी कैसा लगा ये वीडियो? तो मुझे उम्मीद है कि इस तरह के छोटे छोटे वीडियोस जिसके अंदर हम एमसीक्यूज प्रैक्टिस करते हैं, जिसके अंदर हम प्रैक्टिस लेसन के कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की समरी देखते हैं, ये आपको नीट की तैयारी में काफ़ी हेल्प करेगा। इनफैक्ट आपको रिवाइज करने में काफ़ी हेल्प कर रहा होगा। तो आप हमें ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। किसी भी तरह का फीडबैक हो, सजेशन हो, उसे आप कॉमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, हमें बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, तो आप घर पर रहिए, सेफ रहिए, ध्यान रखिए अपना और अच्छे तरह से मन लगा के तैयारी करते रहिए। सो आई विल सी यू ऑल वेरी सून विद द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।